बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़े अल्लाह ताला की पाकजात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों करमों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में ख़वातीन से जो जबरी मशक्क़त और जिस्म फरोशी कराने वाले लोग हैं उनके गिर्द जो है घेरा तंग कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक जबरी मशक्क़त और ख़वातीन से जिस्म फरोशी करवाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए FIA ने IG पंजाब से 3 साल मुकदमा की रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। IG साहब के हुक्म पर CCPO, CPOs और DPOs को जो है मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में तफसीलात सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाने की हिदायत की गई है। ये जो मरासला उनको जारी कर दिया गया है उसमें, तो मज़ीद आपको बता दें कि मरासले में 3 साल की जबरी मशक्क़त और जिस्म फरोशी के मुकदमात केसेस के जो इन मुकदमात के जो चलान हुए उनकी तफसील मांगी गई है, और मुलजमान मर्द और ख़वातीन की गिरफ्तारी और उनकी जो तरबियत उससे मुतलक तफसीलात हैं जो वो इस मरासले में मांगी गई हैं। नाज़रीन, इस मरासले में पुलिस से पूछा गया है कि कितने थानों में पुलिस ने जो है हेल्प डेस्क जो है वो कायम किए हैं, कितने बच्चों और ख़वातीन की जो है रिकवरी की गई है। इसके अलावा SOPs की जो तफसीलात हैं वो भी शेयर करने के लिए उनको कहा गया है कि वो भी उनको प्रोवाइड करें। तो मज़ीद आपको ये कह दूँ कि इस सिलसिले में एक मज़ीद मीटिंग होगी FIA के हेडक्वार्टर में 13 सितंबर को, इसी महीने को। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हाजिर होंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।